दोस्तों भी जदुल कलाम साहब के बारे में कौन नहीं जानता, ये एक नाम नहीं एक ब्रांड है। वैसे तो इनके साथ कमल भी के हजारों किस्से जुड़े हुए हैं, मगर इनके साथ फेलियर का भी एक किस्सा मेंशन है। जी हाँ, एपीजे अब्दुल कलाम साहब भी एक बार फेल हुए थे, मगर ये मेरे वर्ड्स नहीं है, ये बात कलाम साहब ने खुद अपनी किताब माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम इनटू एक्शन में मेंशन किया हुआ है। उन्होंने लिखा है कि मेरा एक डियरेस्ट ड्रीम था, ड्रीम नहीं डियरेस्ट ड्रीम था कि वो फाइटर पायलट बनना चाहते थे, मगर अनफॉर्चुनेटली इंडियन एयरफोर्स में उस टाइम सिर्फ 8th स्लॉट अवेलेबल था और उनको 9th अलॉट हुआ था रैंक की वजह से, तो वो फाइटर पायलट नहीं बन पाए थे। और उनका तमन्ना ये भी थी, दूसरे लहजे में उन्होंने लिखा है कि मैं चाहता था कि जब स्ट्रेटोस्फीयर को क्रॉस करें हम लोग, तो मैं अपने आप को फ्लाई करता हुआ फील करूं। तो अनफॉर्चुनेटली उन्होंने इस बात को एज अ फेलियर मेंशन किया हुआ है कि मैं इस जगह में फेल हो गया, बट कोई नहीं, जिंदगी में उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स कर ली हैं कि जिनके सामने उनकी ये पर्सनल डिजायर थी पूरी हो जाती तो बहुत अच्छी, बट अनफॉर्चुनेटली पूरी नहीं हो पाई, और कोई बात नहीं, जिस फील्ड में वो थे वहाँ उन्होंने कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। और आज हर एक इंडियन के कहिए या जितने भी लोग उन्हें जानते हैं वो बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ याद करते हैं। सल्यूट है सर आप।